तो आज कवर स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल और असम में दूसरे चरण की वोटिंग की बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरह की वोटिंग आज रही है। दूसरी कवर स्टोरी में बात करेंगे भारत की नई रेयर डिजीज पॉलिसी की, क्या वाकई में रेयर डिजीज के मरीजों को सरकार ने क्राउड फंडिंग के भरोसे छोड़ दिया है, इसका करेंगे एनालिसिस। और साथ ही साथ तीसरी खबर होगी बच्चों पर लगातार मंडरा रहे कोरोना के खतरों की, ताजा आंकड़े क्या हैं, दूसरी लहर में बच्चों पर कितना असर पड़ा है और बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आएगी, ये तीनों बड़ी खबर आज इंडिया 360 में। तो सबसे पहले बात बंगाल और असम के घमासान की। बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई। दूसरे चरण में बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों के लिए मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक के आंकड़ों को अगर देखें तो 73.3% यानी कि लगभग 74% के आसपास मतदान हुआ है असम में 39 सीटों पर। और यहां पर जो निर्णायक सीट्स हैं उनका भी हम आपको बताएंगे विश्लेषण, और साथ ही साथ बंगाल के घमासान की भी हम बात करेंगे कि बंगाल में किस तरह की वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर आज इन दोनों राज्यों में घमासान रहा, दूसरे चरण की वोटिंग क्या इशारा कर रही है इसका होगा 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं असम की। चलिए, तो शाम 6 बजे तक असम में 73% मतदान हुआ है असम की 39 सीटों पर बराक घाटी की। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है जो कहा जाता है राजनीतिक रूप से, बराक घाटी की 15 सीटें काफी निर्णायक मानी जा रही हैं। यहां पर बंगालियों के दबदबा वाला यह इलाका है जहां नागरिकता संशोधन कानून को भारी समर्थन मिला था। असम में दूसरे चरण में 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने करना है। इनमें जो मेन चेहरे हैं पीयूष हजारिका हैं, अमीनुल हक लश्कर हैं, बद्रुद्दीन अजमल के भाई सिराजुद्दीन समेत कई लोग इस चरण में मतदान में इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसी बीच असम के सिलचर में आज बीजेपी और एआईयूडीएफ के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबर भी है। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है, वोटरों को गोली लगने की खबर भी सामने आई है। तो झड़पों की खबर असम से, आज दूसरे दौर का मतदान यहां पर शांतिपूर्ण नहीं रह पाया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां आज सबसे ज्यादा एक्शन रहा। दूसरे चरण में बंगाल की 30 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक यहां पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 6:30 बजे तक मतदान होना था, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80% से ज्यादा मतदान का प्रतिशत रह सकता है। दूसरे चरण में 345 उम्मीदवारों की किस्मत पश्चिम बंगाल में आज ईवीएम में कैद हो गई है। कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य का फैसला इसी चरण में होना है, और इसमें सबसे अहम सीट है नंदीग्राम सीट। नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी फाइट है। दूसरे चरण में डेबरा विधानसभा सीट पर भी सबकी नजर है। यहां पर दो पूर्व आईपीएस के बीच सीधी जंग है, और दिन भर आज सबसे ज्यादा हलचल नंदीग्राम सीट पर रही। क्या हुआ नंदीग्राम में एक्शन, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल एक तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आज वोटरों को रोकने का आरोप लगाया, बाकायदा फोन भी किया पोलिंग बूथ से राज्यपाल को। दूसरी तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर हिंसा फैलाने के आरोप लगा दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बंगाल और असम में रैलियां की और ममता बनर्जी पर निशाना साधा और सीधा सीधा पूछा कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार रही हैं, टीएमसी चुनाव हार रही है। और ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय भी है कि क्या वाकई में ममता बनर्जी अब दूसरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो इनका करते हैं अब एनालिसिस, और इसके लिए हमारे साथ राहुल देव देश के जाने माने पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर क्योंकि सबका खास तौर से फोकस भी है, एक्शन में भी है, खबरों में भी लगातार ये सीट बनी हुई है, आज ममता बनर्जी बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाती हैं, वहां से राज्यपाल को फोन करती हैं, कई दिनों से डेरा डाले हुई थी, हिल नहीं रही थी वहां से, ये परेशानी स्वाभाविक है ममता दीदी के स्वभाव में ये परेशानी है, या मौजूदा राजनीतिक स्थिति में टेंशन ज्यादा बढ़ गई है ममता बनर्जी की? ये दोनों चीजें हैं। ममता को लगभग 30-40 साल से मैं भी देख रहा हूँ और देश भी देख रहा है, तो उनकी अपनी उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बहुत वोलेटाइल है। वो बहुत जल्दी उग्र हो जाती हैं और उग्रता उनका उनकी प्रकृति है, उनका एक स्वभाव है।
छोटी चीजें भी जिस पर ज्यादातर दूसरे लोग शायद उत्तेजित ना हो, विशेष तौर पर जो राजनीति में रहते हैं, लेकिन ममता जी उन पर बहुत तेजी से उत्तेजित हो जाती हैं, खूब गुस्से में आ जाती हैं और फिर वो बहुत तीखी हो जाती हैं। तो एक तो ये मैं कहूँगा कि उस तरह इसलिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन दूसरी बात भी ये सच है कि नंदीग्राम में वो दबाव में हैं और एक पूरा माहौल ऐसा बना है कि वो जिसको अभेद्य दुर्ग उनका माना जाता था, माना जा सकता था पहले, वहाँ पर वो दबाव में महसूस कर रही हैं, घेरा हुआ महसूस कर रही हैं और इसका इसी के कारण वो बाकी जगहों का चुनाव छोड़कर उनको 3-4 दिन से वहीं पर रहना पड़ रहा है। आज भी वो 2 बजे तक अपने घर से बाहर ही निकली, निकली तो फिर एक जगह जाकर एक बूथ पर बैठ गई और 2 घंटे वहाँ बैठी रही और फोन मिलाते रही सबको। हमें ये मालूम है कि बंगाल की राजनीति में विशेष तौर पे चुनाव के दौरान हिंसा एक आम चीज बन गई है। वो पूरा समाज ही एक तरह से कहले बड़ा हिंसक और उग्र हो गया है और वहाँ पर झड़पें बहुत आम सी चीज है। लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है, पूरे समझिए कि बंगाल की राजनीति उनके लिए उनका पूरा राज दांव पे लगा है और वहाँ पर अगर वो अपने को दबाव में महसूस कर रही हैं तो वो इस रूप में दिखे ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह का ध्रुवीकरण अभी हुआ है, एक जो खबर उड़ी है और आज लगे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस खबर को हवा दे दी और सीधे सीधे पूछ लिया कि आप दूसरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति नंदीग्राम की ऐसी है कि ममता को सीट बदलकर अब दूसरी सीट खोजनी पड़ रही है? देखिए, हो या ना हो, लेकिन पहली बात इसको कितना विश्वसनीय मानते हैं हम, ये एक सवाल है। मैं नहीं समझता कि चुनाव के दौरान, जिसको हम कहते हैं बीच धार में कोई नाव नहीं बदलता, तो इस समय अगर ममता एक किसी दूसरे जगह से चुनाव लड़ती हैं, ये फैसला करती हैं, तो ये तो अपनी हार को स्वीकार करना होगा और इसका बाकी जो पूरे अभी 6 चरण बचे हैं बंगाल के चुनाव के, उन सब पर बहुत खराब असर पड़ेगा, उनके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और लगभग सारी दुनिया ये मान लेगी कि उन्होंने हार मान ली, वो हार गई हैं और हार के घबरा के भाग रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ममता का जो जुझारू चरित्र हम देख रहे हैं इतने दशकों से, उसमें वो अगर दबाव में होंगी, संकट में होंगी, तो भी वो उससे लड़ेंगी, नंदीग्राम में ही लड़ेंगी। अब तो खैर जो होना तो हो चुका है, लेकिन इस समय एक दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का मतलब बहुत ही राजनीतिक रूप से उनके लिए घातक होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। चलिए, और असम का जिक्र कर लेते हैं। दूसरे चरण के चुनाव में लगभग 75% के आसपास वोटिंग हुई है सर, क्या आप देखते हैं इस तरह का वोट पैटर्न क्या संकेत दे रहा है दूसरे चरण के चुनाव के लिए असम में? असम में ये वोटिंग मैं कहूँगा बड़ा स्वस्थ प्रतिशत है, 72-73% कम नहीं होता। और जो बराक वैली, जहाँ पर बराक घाटी, जहाँ पर ये इस दौर चुनाव हुआ है, वो बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, वो पूरा क्षेत्र है असम के लिए राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी। वहाँ पे बड़ी जातीय बहुलता है, वहाँ भाषाओं की बड़ी बहुलता है, वहाँ पे समीकरण जटिल हैं राजनीतिक और सामाजिक भी, जिसमें कुछ जनजातियाँ भी हैं, कुछ सामान्य लोग भी हैं, बंगाली बनाम गैर बंगाली, असमिया बनाम गैर असमिया, ये सारे मुद्दे वहाँ पे रहे हैं। उसके पास ही बोडोलैंड, जो बोडो आंदोलन है, उसका प्रभाव भी उन इलाकों में रहा है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मैं सब कुछ देखते हुए कहूँगा कि ये एक अच्छा स्वस्थ प्रतिशत है और इससे हमें लगता है कि कितनी रुचि से लोग वोट कर रहे हैं। और वहाँ भी हर चुनाव में वैसे स्टेक्स बड़े होते हैं, तो वहाँ भी बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसको दूसरी बार सत्ता में आना है, अपनी सत्ता बनाए रखनी है, और बाकी कांग्रेस के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए, अजमल के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व का और अपने राजनीतिक कद को बनाए रखने का संकट है या चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर असम में 73% से ज्यादा, लगभग 75% का अंतरिम अनुमान वोटिंग का, और बंगाल में 80% का वोटिंग परसेंटेज जो कि इंटरिम है, ये किस तरह के रिजल्ट्स में तब्दील होता है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अब रुख करते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी का।
बात कोरोना की। कोरोना की रफ्तार देश में तेज होती जा रही है। ओवरऑल अगर देखें तो बीते 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। अक्टूबर के बाद एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले 11 अक्टूबर को देश में 74,000 से ज्यादा मामले आए थे। और सिर्फ केसेस ही नहीं, अब चिंता ये है कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जी हाँ, 2021 में पहली बार एक दिन में 459 लोगों की मौत हुई है, काफी अरसे बाद। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो ये है कि कोरोना अब बच्चों को भी अपनी चपेट में तेजी से ले रहा है। दो इलाके ऐसे हैं जहां से चिंता बढ़ रही है। बेंगलुरु में बीते कुछ दिनों में 500 के आसपास बच्चों के संक्रमित होने की खबर आई थी, और महाराष्ट्र में बच्चों के संक्रमण बढ़ रहे हैं। मार्च महीने में बेंगलुरु में करीब 500 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हरियाणा में भी मार्च में 1100 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां हाल बेहाल है। जो डेटा मिल रहा है उसके मुताबिक मार्च महीने में महाराष्ट्र में 6,00,000 से ज्यादा नए केसेस आए, और इन केसेस में 15,000 से ज्यादा संक्रमित जो हैं वो बच्चे हैं, 10 साल की उम्र तक के बच्चे हैं। इसके अलावा 11 से 20 साल के बच्चों को अगर मिला लिया जाए तो पूरा आंकड़ा 55,000 के पार चला जाता है। तो किस तरह से बच्चों का ये जो पैटर्न है उसके आंकड़े दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में, इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और 10 साल तक के बच्चों में कोरोना के केस किस तरह से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका समाधान आखिर होगा क्या, इसका हम आपको 360 डिग्री एनालिसिस करके बताते हैं। अब आपको जरा कुछ ग्राफ बताते हैं कि किस तरह से बच्चों के केसेस बढ़ रहे हैं। तो जरा देखें, 10 साल तक के बच्चों में कोरोना के केसेस को अगर देखें तो जनवरी के महीने में 2,000 केसेस आए हैं, फरवरी के महीने में 2,700 केसेस आए हैं, और मार्च में 15,500। ये महाराष्ट्र के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जहां पर बच्चों के केसेस किस तरह से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 11 से 20 साल तक के अगर देखें, यानी कि कम उम्र के बच्चे और युवा वर्ग एक तरह से आप कह सकते हैं, तो जनवरी में ऐसे 11 से 20 साल के केसेस 5,500 के आसपास आए हैं, फरवरी में 8,000 के आसपास ये केसेस आए हैं, और मार्च में बढ़कर ये केसेस हो गए हैं 40,000। तो इस तरह से बच्चों में कोरोना का संक्रमण थोड़ा चिंता की बात जरूर है। हालांकि इनमें 18 से 20 साल के आयु वर्ग के लोग भी शामिल हैं, लेकिन बच्चों में खासतौर से 10 साल से कम उम्र के बच्चों में जो आंकड़े हैं वो कहीं से भी आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीते साल से अब तक के अगर हम केसेस देखें तो 10 साल से नीचे के 87,000 केसेस हमने देखे थे, और इसके अलावा 11 से 20 साल के जो केसेस हैं वो दरअसल यहाँ पर ग्राफिक्स में आपको 8,000 दिख रहा है, लेकिन दरअसल 8,000 नहीं है, वो आंकड़ा दरअसल 182,000 का है। तो कुल मिलाकर अब तक अगर देखें तो 11 से 20 साल तक के 182,000 बच्चे और 18 साल से 20 साल की उम्र के वयस्क, तो कम उम्र के जो लोग हैं उनमें ये मामले बढ़ रहे हैं। अब एक अमेरिका के दो विशेषज्ञों का एक अनुमान है, उस अनुमान ने कुछ चिंताएं पैदा की हैं। उन विशेषज्ञों का यह कहना है कि आने वाले दिनों में कोरोना बच्चों के लिए और घातक हो सकता है, इसलिए वैक्सीन बच्चों को लगाना अब बेहद लाजमी हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं इस पर। पूरी दुनिया में बड़ों के साथ साथ अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन की मांग तेज होने लगी है, ये चिंता क्यों लाजमी है, अमेरिका की एक ताज़ा रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है। दरअसल अमेरिका के ब्रिंगहम एंड विमेंस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बड़ा दावा किया है। इनकी स्टडी के मुताबिक बच्चों को गंभीर रूप से बीमार करने वाला कोरोना जल्द सामने आ सकता है। इनकी रिपोर्ट कहती है कि बच्चों से ही कोरोना के ऐसे वेरिएंट सामने आएंगे जो उन्हें बीमार करेंगे। कोरोना जितना फैलेगा उतना ही ज्यादा खतरनाक वेरिएंट सामने आते रहेंगे। वयस्कों में टीकाकरण के चलते बच्चे ही आखिरकार कोरोना के सुरक्षित ठिकाने बन जाएंगे। बच्चों में भले ही कोरोना अभी कम हो लेकिन भविष्य में तस्वीर बदल सकती है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि बच्चों को भी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाई जाए ताकि कोई भयावह स्थिति पैदा न हो। भारत समेत दुनिया भर में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन पर काम शुरू हो चुका है। कई जगहों पर बच्चों पर वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल सफल भी हो चुके हैं, लेकिन बच्चों में बढ़ता संक्रमण का खतरा जल्द से जल्द वैक्सीन की जरूरत बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जाने माने डॉक्टर
डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, और महाराष्ट्र में जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा है वो अब थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति में पहुंचता हुआ, और उसमें भी मुंबई के अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो थोड़ा सा मुंबई वासियों को डराएंगे भी, चौंकाएंगे भी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में बताया जा रहा है कि 8,646 केसेस सामने आए हैं अकेले मुंबई से। जी हाँ, ये आंकड़े थोड़ा चिंता पैदा करते हुए, मुंबई में बीते 24 घंटे में 8,646 नए मामले आए हैं, ये बड़ी खबर मुंबई के लिए। 18 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत भी हुई है, ये थोड़ा मुंबई के लिए स्थिति ठीक नहीं नजर आ रही है। मुंबई में हालांकि बीते 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड पहले देखा नहीं गया है। 8,600 से ज्यादा मामले एक दिन में मुंबई शहर में, ये आंकड़े थोड़ा चिंता पैदा जरूर करते हैं। अब इसको पार पाने के लिए सरकार क्या उपाय करती है ये देखने वाली बात होगी। खबर ये भी थी कि अगले 24 घंटे में हो सकता है लोकल ट्रेन्स पर बड़ा फैसला ले लिया जाए, हो सकता है जो मॉल्स हैं और सिनेमा घर हैं उनको भी बंद करने का फैसला लिया जाए, लेकिन जो भी अब तय करना है वो जल्दी तय करना होगा, खासतौर से मुंबई में ये आंकड़े डराने वाले। बहरहाल, अब आज की जो हमारी मूल स्टोरी है इंडिया 360 की, बच्चों में कोरोना के संक्रमण, इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बच्चों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के आंकड़े सर चिंता तो पैदा करते ही हैं, और चिंता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन अभी नहीं है। तो क्या स्थिति आपको लग रही है, सेकेंड वेव में खासकर बच्चों पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? जी दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सेकेंड वेव है ये पहले वाले वेव से डिफरेंट है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि 18,000 से 50,000 केस आने में पहले 32 डेज लगे थे, अभी 17 दिन लगे हैं, समझिए कि डबल स्पीड के साथ स्प्रेड हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है ये एज ग्रुप, ये सब एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है, जबकि पहले हमने देखा था कि ज़्यादातर लोग जो 55 साल से उम्र के ज़्यादा थे उनमें ये संक्रमण हुआ और उन्हीं में ही मौतों की खबर भी आई। बच्चों की जहाँ तक आपने बात कही, जो नए केसेस महाराष्ट्र में, उसमें से करीब करीब 10% केसेस जो हैं वो बच्चों में हुए हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चे भी संक्रमित होंगे क्योंकि बच्चे कोरोना से इम्यून नहीं हैं। बट जहाँ तक ये बात थी कि बच्चों में सिम्टम्स माइल्ड होते थे और ईजिली रिकवर कर सकते थे, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम कुछ बच्चों को हुआ जो कि काफ़ी घातक होता था। तो आज के डेट में जब बच्चों का संक्रमण बढ़ रहा है, खास करके दोनों रिपोर्ट जो आपने मुंबई और बेंगलुरु से बताई, उसमें बेंगलुरु में भी 500 से ज़्यादा बच्चे पिछले मंथ में इन्फेक्टेड हुए, तो निश्चित तौर पर सेकेंड वेव जो आया है उसमें बच्चों का संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। अब रही बात वैक्सीनेशंस की, तो जो भी हमारे दो वैक्सीन्स जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, इनका ट्रायल 18 साल के ऊपर के लोगों में हुआ है, और इसमें एक लॉजिस्टिक्स बच्चों में प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर रैपिडली अगर आप वैक्सीन्स को लाना चाहते हैं मार्केट में और रोल आउट करना चाहते हैं, पब्लिक को लगाना चाहते हैं, तो बच्चों को एज ए वॉलंटियर यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जैसे फाइजर एंड मॉडर्ना ने अभी 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन, से एक चाइनीज कंपनी साइनोवैक ने भी बच्चों के लिए बनाई है, तो मेरा यह कहना है कि बच्चों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा म्यूटेंट स्ट्रेन, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन या जस्ट कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, बच्चों में थोड़ा कॉमन हो जाता है क्योंकि बच्चे सोसाइटी में खेल रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बच्चों की मूवमेंट ज़्यादा होती है, और खास करके जो आपने यूथ की बात कही, जो 18 साल से 20 साल की उम्र के बच्चे हैं उनकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशंस को जो एक नैरो रेंज था, जैसे शुरू में हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया, अब लेकिन हमने जो रिपोर्ट दिखाई आज सर उसमें हमने अमेरिका के विशेषज्ञों के हवाले से बताया, वो बता रहे हैं कि जो अब सबको वैक्सीनेशन लग जाएगा बचेंगे बच्चे, तो हो सकता है कि बच्चे अब कोरोना का नया ठिकाना हो जाए। कितना प्रैक्टिकल लगता है ये विशेषज्ञों का अनुमान आपको, और क्या ऐसी कोई आशंका देखते हैं आप? ये लॉजिकल तो लगता है कि अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन पूरा वैक्सीनेटेड हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा, या वो प्रायर इन्फेक्शन से, कोरोना संक्रमण से उसमें इम्यूनिटी हो गई है, तो फिर ये जो उस पॉपुलेशन को टारगेट करता है वायरस जहाँ पे इम्यूनिटी नहीं है,
तो निश्चित तौर पर बच्चे जो हैं सेकेंड वेव में ज़्यादा संक्रमित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको फर्स्ट वेव में संक्रमण नहीं हुआ, और दूसरा कि जहाँ भी हम लोग अभी तक करीब करीब 6 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें बच्चों का कोई अंश नहीं है, बच्चे कोई भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो ये बात तार्किक लगती है, तर्क के हिसाब से ठीक लगता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है वो भी काफ़ी घातक होता है, तो अगर बच्चों में संक्रमण बढ़ेगा तो उनमें भी मौत का आंकड़ा बढ़ेगा, तो ये एक चिंता का विषय है। तो जैसे ही जो भी वैक्सीन्स जो चिल्ड्रेन एज ग्रुप में या पीडियाट्रिक एज ग्रुप में टेस्टेड होती है उसको जल्दी से जल्दी बच्चों को वैक्सीनेट करना होगा, क्योंकि तब तक बच्चों को बिल्कुल SMS है और हमसे बिल्कुल आपसे कई बार बातचीत भी हुई है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम भले ही स्ट्रांग होता है, संक्रमण ज़्यादा खतरनाक फिलहाल उनमें नहीं दिखता है, लेकिन क्योंकि स्प्रेडर बहुत होते हैं बच्चे तो एक ज़रूर उसको भी ध्यान में रखने की बात ज़रूर होगी। आप बने रहिए सर हमारे साथ इस खबर पर विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और बड़ी खबर आज स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई, केंद्र सरकार ने दुर्लभ और महंगी बीमारियों के इलाज के लिए नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, इसके लिए नीति आ गई है। लेकिन इस पॉलिसी में कहा यह जा रहा है कि दुर्लभ बीमारी वाले मरीजों को शायद निराशा हाथ लगे, क्योंकि सरकार ने इलाज के लिए एक तरह से क्राउड फंडिंग पर डिपेंडेंसी बढ़ाने की बात इसमें कही है। रिपोर्ट में पूरा मामला आप समझ जाएंगे, फिर इसका एनालिसिस करते हैं। आ गई नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, सहायता श्रेणी से बाहर हुए कई महंगे रोग, क्राउड फंडिंग से होगा बीमारियों का इलाज, नई पॉलिसी से निराश हुए दुर्लभ रोग वाले लोग। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 में जिन गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए धन जुटाकर इलाज कराने का प्रावधान रखा गया है, उनमें गौसर डिजीज, हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, पोम्प डिजीज, फैब्री डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी जैसी बीमारियां रखी गई हैं। हालांकि कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एकमुश्त 20 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान भी है और रकम पाने की पात्रता के लिए BPL कैटेगरी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। नई पॉलिसी में दुर्लभ बीमारियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में उन दुर्लभ बीमारियों को रखा गया है जिनका एक बार स्टेम सेल या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से इलाज हो सकता है। दूसरी कैटेगरी में वो बीमारियां हैं जिनके इलाज में कुछ कम लागत आती है और जीवन भर या लंबे वक्त तक इलाज चलता है। तीसरी कैटेगरी में उन बीमारियों को रखा गया है जिनका पक्का इलाज मौजूद है लेकिन ये बेहद महंगा और लंबे समय तक चलने वाला है। पॉलिसी के मुताबिक दुनिया भर में 7,500 से ज्यादा आनुवांशिक और दुर्लभ बीमारियां हैं लेकिन भारत में इनमें से बहुत ही कम बीमारियां मिलती हैं। पॉलिसी में इंपोर्ट की जाने वाली दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट की सिफारिश की गई है। साथ ही देश के 8 अस्पतालों को 5 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की बात भी कही गई है। एक अच्छी बात इस रिपोर्ट में इस पॉलिसी में है कि इसमें जो बेनिफिशियरीज को असिस्टेंस दी जाएगी उसको अब BPL फैमिलीज तक लिमिटेड नहीं रखा जाएगा, उसके बाहर भी रखा जाएगा और ऑलमोस्ट 40% जो पॉपुलेशन है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आती है वो इसके दायरे में आ जाएगी। तो ये एक अच्छी बात इसमें बताई गई है। मेरे साथ डॉक्टर मनोज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, ये रेयर डिजीज़ जब भी किसी को होती है सर तो खासतौर से पूरा का पूरा बजट बिगड़ जाता है, परिवार का पूरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब कई बार हो जाती है क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके इलाज या तो होते ही नहीं है या तो इतने महंगे होते हैं कि बिक जाने की नौबत तक आ जाती है। ये जो फिलहाल पॉलिसी आप देख रहे हैं इसमें फाइनेंस का जो बर्डन है उसकी शेयरिंग किस तरह से होगी? जी, सबसे पहले दीपक जी, ये रेयर डिजीजेज जो होते हैं ये इसको ऑर्फन डिजीजेज कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रिवेलेंस है या जो जो इसकी उपस्थिति है समाज में बहुत कम होती है, रेयर होता है। अगर WHO के डेफिनेशन से देखें तो 1 per 1,000 से जो कम होने वाली बीमारी है, हालांकि ये वेरी करता है डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट प्रीवेलेंस रेट पे इसको डिफाइन किया गया है। हमारे कंट्री में अभी तक ये इसका डिफिनीशन ही नहीं है कि कौन सा रेयर डिजीज। आपने बहुत सारे रेयर डिजीज बताए जिसमें आपने बताया कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बताया, आपने लाइपोसोमल स्टोरेज डिजीज बताया, कुछ जेनेटिक डिजीजेस बताए। तो मेरे हिसाब से जो सरकार ने जो घोषणा की है फाइनेंस की उसको आप 4 पार्ट में देख सकते हैं। उसमें तो उन्होंने कहा है कि जो सिंगल टाइम क्यूरेबल डिजीज हैं, जो एमिनेबल हैं, जिसका जैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से या लीवर ट्रांसप्लांटेशन से या किडनी ट्रांसप्लांटेशन से, जैसे किडनी की डिजीज हैं, फाइब्रोसिस्टिक
किडनी जिसको बोलते हैं आप, पॉलिसिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी है, या लीवर की जो डिजीज है, या फिर जिस तरह की जो डिजीज है म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस है, इन लोगों के जो ट्रीटमेंट है वो एक मुफ्त आपको किया जा सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से। तो इसके लिए 20 लाख रुपए की जो रकम है वो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, वो भी जो प्रधानमंत्री आरोग्य निधि, राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो है उससे मिल जाएगा। इसमें चार पार्ट होंगे, एक तो देखिए हेल्थ जो है स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट से भी ये अपेक्षा की जा रही है कि वहाँ से भी कुछ पैसा आएगा। तीसरा वॉलंटरी डोनर्स, चाहे इंडिविजुअल हो या कॉरपोरेट हो, जो आप कॉरपोरेट फंडिंग की बात कर रहे हो, जो क्राउड फंडिंग, मैं यही कह रहा था सर, ऐसा साउंड हो रहा है इस पॉलिसी को देखकर कि सरकार ने क्राउड फंडिंग के भरोसे कुछ बीमारियों को छोड़ दिया है, क्या ऐसा ही है सर, या ये अल्टरनेटिव व्यवस्था होगी? नहीं, मैं ऐसा पूर्णतः मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, सरकार अपना रोल अदा करेगी, बट चूंकि मैंने कहा ना कि ये ऑर्फन डिजीजेज और ऑर्फन ड्रग्स, चूंकि ड्रग्स भी इतने रेयर होते हैं, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी पैसा लगता है, तो कॉस्टली तो ट्रीटमेंट है, तो अकेले सरकार के लिए शायद बहन करना जितना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा, खास करके जो भी उन्होंने 5-6 जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, PGI चंडीगढ़, SGPGI, KM मुंबई, KM मेडिकल कॉलेज मुंबई, तो ये सारे जो 5-6 हैं उनको वो टर्सरी केयर सेंटर की तरह यूज करेंगे, बट मुझे लगता है फंड का जो कंस्टेंट रहेगा उसको पार्शियली वो क्राउड फंडिंग से पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार का जो ग्रुप वन वाला जो पार्ट है, जो वर्ड डिजीज है, जो एक बार ट्रीटमेंट देने से क्योर होने वाला डिजीज है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम 20 लाख रुपए तक की सहायता करेंगे, और आपने सही कहा कि ये BPL के लिए नहीं, पूरे 40% पॉपुलेशन इससे बेनिफिटेड होगा। तो मेरा कहना है कि ये कंबाइंड सा एफर्ट होगा, कम्युनिटी, ये क्राउड फंडिंग। और जनवरी में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा था कि आप रिव्यू कीजिए रेयर डिजीज जो है उनमें क्राउड फंडिंग का कोई ऑल्टरनेटिव क्या पैदा कर सकते हैं, तो ये कोर्ट ने भी सरकार को एक तरह से निर्देश दिया था, हालांकि ड्राफ्ट पॉलिसी में ऑलरेडी ये व्यवस्था थी, तो अब उसको अमली जमा पहनाने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये क्राउड फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट कितना सही साबित होता है कितना नहीं, इसके लिए सरकार कैसे नीति बनाएगी, अब डॉक्टर जो है वो क्राउड फंडिंग करते रहेंगे या लोगों को इलाज करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, या इसके लिए अलग मैकेनिज्म बनाया जाएगा, मैन पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल एक नई पॉलिसी दुर्लभ डिजीज को लेकर आई है, देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे ढंग से हो पाता है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए, और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए डॉक्टर मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बेस्ट, ये सिर्फ नाम का ही बेस्ट रह गया है, कभी इनकी बसें समय पर नहीं चलती ऐसी खबरें आती हैं, तो कभी कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी नहीं मिलने की खबरें आती हैं, लेकिन अब बेस्ट अपने कर्मचारियों को इतनी सैलरी दे रहा है कि वो उसके बोझ के तले दबे जा रहे हैं। जी हां, बुधवार को बेस्ट के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई जिसमें तमाम मुद्दों के साथ सिक्कों में सैलरी देने का प्रमुखता से मुद्दा उठा। अब बेस्ट के कर्मचारियों को सिक्के में क्यों सैलरी मिल रही है और ये बोझ कितना बड़ा है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना काल में बेस्ट ने अपने स्टाफ की सैलरी कई गुना बढ़ा दी है तो अफसोस आप गलत हैं। दरअसल बेस्ट अपने स्टाफ को सिक्कों में सैलरी बांट रहा है जिससे उसे उठाने में कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक सीनियर कर्मचारी के मुताबिक बेस्ट अपने स्टाफ को कुल वेतन का 15,000 रुपए 5 और 10 रुपए के सिक्के और 10 रुपए 50 रुपए और 100 रुपए के नोट में दे रहा है। इनमें से 5 और 10 रुपए के पैकेट जेब में रखना लोगों को भारी पड़ रहा है। बेस्ट में करीब 40,000 लोग काम करते हैं जिन्हें सिक्कों में सैलरी दी जा रही है, बाकी बची सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। बेस्ट की बसों में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, इनमें से ज्यादातर टिकट के लिए 5 और 10 रुपए के सिक्के ही देते हैं, जिससे बेस्ट के वडाला में बने कैश रूम में अब तक करोड़ों रुपए के सिक्के जमा हो चुके हैं। इन पैसों को बैंक में जमा करने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब जनवरी से कोई भी इन सिक्कों को उठाने नहीं पहुंचा तो बेस्ट ने सिक्कों को खपाने का बेस्ट तरीका ही खोज निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब बात गर्मी की कर लेते हैं। इस बार गर्मी कैसी पड़ने वाली है इसका ट्रेलर मार्च से ही दिखने लगा है।
अभी से देश भर के कई राज्यों में मई जून जैसी तपिश पड़ रही है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसी भयंकर गर्मी की पूछिए ही मत। आसमान से जैसे आग बरस रही है, सूरज की धूप से हलक सूखे जा रहे हैं। ऐसा हाल एक दो नहीं बल्कि देश के 10 राज्यों का हो चुका है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। तो मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत 10 राज्यों में 3 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तो अधिकतम तापमान 76 साल का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुका है। राजस्थान के 8 तो मध्य प्रदेश के 4 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के कई इलाकों में बीते दिन पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया। तो बीते दिन मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 4 शहरों में पारा 40 के पार चला गया। कल भोपाल में 41 डिग्री, इंदौर में 40.2, 40.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं यूपी में गर्मी ने 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। झांसी में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्मी से सिर्फ मैदानी राज्य ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य हिमाचल भी तप रहा है। हिमाचल के ऊना में बीते दिन पारा 34 डिग्री के पार चला गया और शिमला में 23 डिग्री के पार पहुंच गया पारा, जो कि यहां के नॉर्मल टेम्परेचर से 6 डिग्री ज्यादा है। मार्च के महीने में गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार तो जैसे गर्मी कयामत बनकर आई है। सूरज की किरणें अभी से जानलेवा बन गई हैं। बढ़ती गर्मी के साथ लू का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में सरकारों ने भी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इंडिया 360 में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको देश की कुछ और बड़ी खबरें बता जाते हैं। सचिन वजह केस में मुंबई के होटल द कल्चर हाउस पर एनआईए की छापेमारी हुई है। होटल मालिक पर बुकी को सिम कार्ड मुहैया कराने का आरोप लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2790 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के सभी स्कूलों को किया बंद। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 500 नए मामले मिले हैं। देहरादून में 236, हरिद्वार में 149 केस मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर लखनऊ में फन रिपब्लिक मॉल को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आज से लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब 60 मिनट में तय होगी दिल्ली मेरठ की यात्रा। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है अभी 8 महीने और लंबा चलेगा किसान आंदोलन। 10 मई से फिर तेज होगी रफ्तार। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पीएम मोदी ने रजनीकांत को बधाई दी। साथ ही साथ नहीं घटेगी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर, सरकार ने कटौती का आदेश वापस लिया। देख रहे हैं इंडिया 360 बात बाजार की। बाजार ने नए फाइनेंशियल ईयर की दमदार शुरुआत की है। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 50,030 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी की बात करें तो 177 अंकों की बढ़त के साथ 14,867 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। मेरे साथ आशीष है, मेरे सहयोगी, बताएंगे आज मार्केट का एक्शन। ओवर टू यू आशीष। फाइनेंशियल ईयर का पहला ट्रेडिंग सेशन बेहद इंटरेस्टिंग रहा। बढ़िया गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार में शुरुआत हुई। हालांकि उसके बाद अगर आप देखें तो हल्की सी मुनाफा वसूल ऊपरी तरफ से देखने को मिली, लेकिन आखिरी डेढ़ घंटे में जो एक्शन है बाजार में बढ़ता हुआ नजर आया। स्ट्रॉन्ग रिकवरी निचले स्तर पर देखने को मिली। निफ्टी जो है 14,850 के पार निकला। सेंसेक्स दोबारा 500 अंकों की तेजी के साथ 50,000 के आंकड़े के पार निकला। और आज दोनों इंडाइसेस को अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया। सबसे पहले निफ्टी के गेनर्स आपके सामने रख देता हूं, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको, टाटा स्टील। यानी निफ्टी के गेनर्स में पहले तीन अगर आप देखें तो मेटल स्पेस से आते हैं। अदानी पोर्ट्स में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। गिरने वालों की सूची में देखिए एचयूएल, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस, यहां पर ज्यादा गिरावट नहीं, लगभग आधे से 1% की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की ओर रुख करें तो देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने जिक्र किया, आज लगातार और सिर्फ आज ही नहीं लगातार तीन दिनों से अगर आप देखें तो पूरे ही बाजार का आउट परफॉर्म कर रहा है मेटल स्पेस। शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली और खासतौर पर अगर आप देखें तो स्टील की कंपनियां हैं वहां पर तो गजब की तेजी देखी जा रही है। ठीक है, फ्रंटलाइन स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा नालको है, हिंदुस्तान कॉपर, रत्नामणि मेटल और कल्याणी स्टील जैसे स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो एक वीकली ब्रेकआउट देखने को मिले। पीएसयू बैंक्स में लगातार दो दिन से एक्शन जो है तेज होते नजर आ रहा है। आईओबी, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकार ने कुछ छोटी बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूजन भी किया, इस खबर का भी असर देखने को मिला। शुरुआती सत्र से ही अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन आज बाजार की तेजी में देखिए जमकर पार्टिसिपेट किया प्राइवेट बैंक्स ने।
यहाँ पर भी थोड़ा सा सुस्त एक्शन देखा जा रहा था, लेकिन निचले स्तर से इन प्राइवेट बैंक्स ने सपोर्ट लिया, अच्छी खरीदारी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। देखिए काफी दिनों के बाद कर्नाटका बैंक यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक पर ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स का असर देखने को मिला, बंधन बैंक में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा जो सरकारी स्टॉक्स हैं बीएचईएल, जीआईसीआरई, ओएनजीसी, आईओसी, इन स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और सिर्फ एकमात्र एफएमसीजी सेक्टर ऐसा रहा जहां पर आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, लगभग आप देखिए आधे से लेके 1.5-2% की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली। लेकिन हैरत की बात है जिलेट इंडिया यहां पर देखिए 3-3.5% के डाउन मूव यहां पर देखने को मिला। एचयूएल मेरिको के बारे में मैंने आपको बताया नेस्ले में गिरावट देखने को मिली। तो दीपक कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में सभी सेक्टर में सिर्फ एफएमसीजी को छोड़ दीजिए खरीदारी का ही रुझान देखने को मिला। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि आज बाजार का था हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर। और अब जरा रुक कर लेते हैं यूएस बाजारों का हाल देख लेते हैं क्या चल रहा है यूएस बाजारों में। दरअसल अमेरिका में जो जो बाइडेन के $2 trillion के इंफ्रा प्लान से अमेरिकी बाजारों में रौनक दिख रही है। कल भी डाउ, नैसडैक और S&P 500 जो है बढ़त पर बंद हुए थे और आज भी हरे निशान के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। जो बाइडेन के प्लान ने बढ़ते बॉन्ड यील्ड की चिंता को भी काफी हद तक कम कर दिया है, इससे इकॉनमी के लिए एक बड़े बूस्टर के तौर पर देखा जा रहा है। और फिलहाल आपकी स्क्रीन पर देखिए अमेरिकी बाजारों का हाल, आप देखिए अमेरिकी बाजारों का हाल, तीनों इंडेक्सेस जो हैं हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुस्त शुरुआत हालांकि हरे निशान पे है, लेकिन डाउ जोन्स जो है 103 अंकों की बढ़त के साथ 33,085 के स्तर पर, और नैसडेक देखें तो शानदार तेजी 1.5% से ज्यादा की तेजी, 207 अंकों से बढ़त बनाए हुए 13,453 के स्तर पर नैसडेक कारोबार करता हुआ। चलिए कुछ और बिजनेस खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का फैसला अब वापस ले लिया है। मतलब ये हुआ कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, एनएससी और किसान विकास पत्र जैसी बचत योजनाओं पर आपको पुरानी दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्याज दरों में कटौती के आदेश को वापस लेने की जानकारी आज सुबह सुबह दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार पुरानी दर को जारी रखेगी। छोटी बचत योजनाएं समाज के गरीब, लोअर मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होती हैं। कल जो वित्त मंत्रालय ने फैसला किया था उससे पीपीएफ पर ब्याज दर 46 साल के न्यूनतम स्तर पर आ जाती, लेकिन इसे वापस ले लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि गलती से ये जारी हो गए थे। देश में इकॉनमी की लगातार हालत सुधर रही है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बन गया है। सरकारी डेटा के मुताबिक मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,24,000 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले के मुकाबले इसमें 27% की ग्रोथ रही। मार्च 2020 में जीएसटी कलेक्शन 97,590 करोड़ रुपए रहा था। यह लगातार छठा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ रुपए के पार रहा है।